बांदा जनपद के बबीरू कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। पूरा मामला बबीरू कोतवाली का है, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने भी अपने सुझाव रखे। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। सोशल साइट पर गलत पोस्टों का शेयर न करें, ऐसी पोस्टों को इग्नोर कर दीजिए। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं कोतवाली प्रभारी अरुण पाठक ने सभी हिंदू संगठनों से संयम एवं धैर्य बनाए रखना है। कोई गलत पोस्ट करे या भड़काने का काम कार्य करे तो ऐसे को तुरंत सूचना दे, कार्यवाही की जाएगी। और इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के निवर्तमान पदाधिकारी शिव विलास शर्मा, मिथिलेश शुक्ला, अवधेश कृष्ण शास्त्री, विनय सिंह, विनोद द्विवेदी, राम निवास यादव, योगेंद्र सिंह, शिवचंद्र वर्मा, अमन अग्निहोत्री, भालेंद्र गुप्ता, विवेक सिंह, पंकज गुप्ता, संदीप साहू सहित भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। वाली बबेरू में हम लोगों ने विश्व हिंदू महासभा, बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाकर एक पीस कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें हमने सभी से सहयोग की अपील की है। आगामी त्यौहार और शुक्रवार की नमाज को लेके भी कल हमने पीस कमेटी की, अन्य धर्मगुरुओं के साथ भी पीस कमेटी की मीटिंग की थी। उसमें भी हम लोगों ने सभी से सहयोग और शांति की अपील की है। सर, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? यही दिशा निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में धारा 144 लागू है और उसी के अनुसार लोग उसका पालन करें और अपना आपस में भाईचारा और सौहार्द बनाए रहें। धन्यवाद। तो यहाँ कोई ऐसी बात ना हो जिससे यहाँ की बदनामी हो, छवि खराब हो। कभी चलो यहाँ बगैर कैसे में भगवान होगा कोई नए ऐसा काम ना करें जिससे और ज़्यादा लोग उठते जाए। सारे लोग चिन्हित हो रहे हैं, सारे लोगों को बड़ा कार्रवाई और ध्यान में रख रही है। तो यहाँ कोई ऐसी बात ना हो जिससे यहाँ